अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा आप सभी को बताया कि जेके बोपी ने आज बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की काउंसलिंग नोटिफिकेशन यहां पे निकाली है। काउंसलिंग शेड्यूल फाइनली रिलीज़ हो गया और 30 सितंबर से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है फर्स्ट राउंड की, और 5 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग जो है वो चलेगी। और काउंसलिंग आपको पता है कि इस बार ऑनलाइन रहने वाली है। अब यहां पे बात आ जाती है कि ऑनलाइन तो काउंसलिंग रहने वाली है, आपको पता है कि इससे पहले कभी जेके बोपी ने ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं की है, तो इस बार पहली बार यहां पे काउंसलिंग ऑनलाइन होने जा रही है। तो अब यहां पे स्टूडेंट काफ़ी सारी परेशान है कि ऑनलाइन हमने कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे हमने क्या कुछ कर लेना है, क्या उसका प्रोसेस रहने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। पूरा डेमो में आपको बताऊंगा कैसे आपने करना है, कौन कौन स्टेप आपको होगा, किस तरह से आपने करनी है, किस तरह से फी पेमेंट करनी होगी, किस तरह से प्रेफरेंस आपने रखनी होगी, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर भी नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि जो भी अपडेट होगा जेके बोपी का वो हम आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आपका मैं कल तक एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको आपकी जो रैंक है या मार्क्स आपके हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से कॉलेज रख लेना। वो मैं कल मॉर्निंग में ट्राई करूंगा वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो कल तक वीडियो अपलोड करूंगा। उससे पहले आप समझ लीजिए जो काउंसलिंग होने वाली है, जिन कैंडिडेट्स का CET जो यानी कि जो आपने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया आपने, उसमें जिस कैंडिडेट की 30 के प्लस पॉइंट्स हैं वही यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। जिस कैंडिडेट के 30 के बिलो पॉइंट्स हैं वो फिलहाल अभी उनको फर्स्ट राउंड में नहीं करनी है। तो काउंसलिंग कैसे रहने वाली है, वो ऑनलाइन रहने वाली, और ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी 3 स्टेप्स में यहां पे रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या काम करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपने क्या काम करना पड़ेगा, अपनी प्रेफरेंसेस को फिलअप कर देना पड़ेगा और लॉक कर देना पड़ेगा, यानी कि कॉलेज और कोर्सेज को फिलअप कर देना पड़ेगा दूसरे स्टेप में। तीसरे स्टेज और फाइनल स्टेज में आपने पेमेंट करनी पड़ेगी, और पेमेंट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना पड़ेगा। यह सब करने के बाद आपकी चॉइसेस जो है वो सक्सेसफुली डन हो जाएंगी। अब फर्स्ट स्टेज पर हम आ जाते हैं कि आपने अपनी पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपने पहले अपना CET जो आपने दिया होगा उसका एप्लीकेशन नंबर, जब आपने फॉर्म अपना फिलअप किया वहां पे आपको एक PDF मिला होगा उसका एप्लीकेशन नंबर आपके पास होगा। अगर इन केस किसी कैंडिडेट का वो प्रिंट आउट जो डिलीट हो गया या खो गया तो कोई इशू नहीं है, उसको दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आगे चल के किसी दिन बताऊंगा कैसे करना है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इजिली डाउनलोड हो जाएगा। उसके साथ साथ CET का आपका जो रोल नंबर वो आपको ऑलरेडी पता होगा, आपका पता नहीं होगा जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें भी आपका उसमें लिखा होता है। उसके साथ साथ आपका स्कोर कितना है, यानी कि आपके पॉइंट्स कितने हैं, 50, 60, 70, 80 जितने भी होंगे, और आपकी CET में रैंक कितनी है, रैंक जो आपको वहां पे मेरिट लिस्ट में पता बता दी गई है कितने रैंक है। अगर आपने मेरिट लिस्ट डाउनलोड नहीं की है तो आपको कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप उसको अपनी मेरिट लिस्ट को दोबारा से डाउनलोड कर देना। ये सब चीज़ें जब आप अपने पास रख लोगे, देन उसके बाद आपने क्या काम करना पड़ेगा, 30 सितंबर को दिन में 10 या 11, 10:30 के आसपास जो JKBOPI की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर एक लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। अभी भी आपको वहां पर दिखेगा BSc नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का, उधर आपको लॉग इन करना पड़ता है अभी, लेकिन उस टाइम क्या होगा आपको एक साइन अप का एक ऑप्शन वहां पर देखने को मिलेगा। तो साइन अप का ऑप्शन जो ही आपको देखने को मिलेगा आपने उस पर टैप कर देना। साइन अप मतलब कि रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उधर क्या करना पड़ेगा, आपने साइन अप जो ही आपने साइन अप पे टैप किया उधर, अभी तो मैं लाइव यहां पे दिखा नहीं सकता हूं आपको, क्योंकि जब लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो मैं लाइव दिखा सकता हूं, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कैसे प्रोसेस होती है, तो क्या होता है, क्योंकि अभी आपको समझ आ जाएगा तो उस टाइम ज्यादा दिक्कत आपको नहीं हो जाएगी। तो उस टाइम आपने क्या काम करना है, साइन अप पे जो ही आप क्लिक कर लोगे, साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो CET का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर वगैरह, स्कोर वगैरह मांगेगा, वो सब आपने सबमिट कर देना। यूजुअली आपका रोल नंबर मांगेगा और एप्लीकेशन नंबर आपका मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगेगी, वो आपने सबमिट कर दी। सबमिट करने के बाद आपने क्या काम कर लेना, जो ही आपने सबमिट कर दी, अगर आपकी डिटेल्स ठीक हैं, 30 के अबव आपको पॉइंट्स हैं, तो आपको वहां पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। जो भी आपने वहां पे पहले डिटेल्स दी होंगी वो सारी कुछ वहां पे आपको आपका नाम वगैरह सब कुछ जब रजिस्ट्रेशन के टाइम जो आपने दी थी वो आपको दिखेंगी। अगर किसी कैंडिडेट को वहां पे एडिट करना है तो वो एडिट भी कर सकता है, अगर आपको नहीं करना एडिट तो कोई इशू नहीं है, आपका ठीक है। देन आपको नीचे एक सबमिट का एक ऑप्शन दिखेगा, आपने सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद जो ही आप सबमिट पे टैप कर लोगे आपका जो है फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको जो है फॉर्म का एक प्रीव्यू आ जाएगा जो आपने सबमिट करने से पहले देखना पड़ेगा। वो सब करते ही आपको एक यूज़र नेम मिल जाएगा जो आपका CET का रोल नंबर होगा, जो रोल नंबर आपका एंट्रेंस का था वो आपको एक यूज़र नेम बन जाएगा, और उसके साथ साथ आपको वहाँ पर एक्टिवेशन लिंक का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक्टिवेशन लिंक पर टैप करना है। लिंक पर जो ही आप टैप कर लोगे आपकी ईमेल ID पर एक वेरिफिकेशन के लिए लिंक चली जाएगी, आपने उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, और वेरीफाई करते ही आपको एक OTP आ जाएगी, वो आपने वहाँ पर OTP का एक ऑप्शन आपको आ
जाएगा वहाँ पे, वो अभी ये समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ जाएगी लेकिन समझ लीजिए, आगे चल के आपको लाइव समझा दूंगा मैं। तो OTP आपने डालनी पड़ेगी वहाँ पे, OTP जो ही आपने वहाँ पे डाल दी आपका जो है वहाँ पे मतलब अगर OTP सही है, वेरिफिकेशन आपने ईमेल पे जो लिंक आई है वो सही है, OTP आपने मोबाइल नंबर पे आ गई वो डाली, देन उसके बाद आपको वहाँ पे कहा जाएगा कि आप अपना एक पासवर्ड रख लीजिए। अभी यहाँ पे तो यूज़र नेम तो आपको अपना CET का रोल नंबर मिल गया, देन उसके बाद जो ही आपने वेरिफिकेशन कर दी अपनी लिंक की, तो लिंक की वेरिफिकेशन मतलब कि जो एक्टिवेशन लिंक वहाँ पे आ गई, OTP वगैरह डाल दी, आपने CET का रोल नंबर आपको एज ए यूज़र नेम मिलेगा, तो आपको कहा जाएगा कि एक पासवर्ड अपना रख लो। पासवर्ड आप अपना नाम यानी कि ABC@123 करके ऐसा कुछ रख सकते हैं, तो वो आपने जो ही रख दिया तो आपने पासवर्ड पे सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद अगर इनकेस किसी कैंडिडेट को एक्टिवेशन लिंक वहाँ पे नहीं आ जाती है, तो वो एक्टिवेशन लिंक को रीसेंट करने कर सकता है, तो रीसेंट दोबारा से आ जाएगी। अब जिसको आ जाएगी उसने पासवर्ड रख लिया, तो अब जो ही आपने पासवर्ड रख लिया आपके पास एक तो यूज़र नेम भी आ गया और उसके साथ साथ पासवर्ड जो आपने रखा वो भी यहाँ पे आ गया। देन उसके बाद आपको क्या काम होगा, नीचे करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा लॉग इन का, जो ही आप उधर BSc नर्सिंग पे टैप करोगे आप एक साइन अप का ऑप्शन होगा, एक लॉग इन का होगा, आपने पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद जो अभी तक मैंने डिटेल्स बोली वो सब फिलअप करनी है, वो सब फिलअप करने के बाद आपको लॉग इन का जो ऑप्शन होगा आपने लॉग इन वाले ऑप्शन पे टैप करना है। लॉग इन वाले के ऑप्शन पे टैप करते ही आपको जो है एक यूज़र नेम इनपुट करने का बोलेगा और पासवर्ड, यूज़र नेम आपका CET का रोल नंबर जो होगा वो होगा और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे अभी जनरेट किया वेरिफिकेशन के बाद वो यहाँ पे डाल देना है। वो जो ही आप डाल दोगे आपका जो है यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई और आप अपना जो पोर्टल है उसको लॉग इन कर सकते हैं। जो ही आप लॉग इन कर लोगे वहाँ पे आपके पास पर्सनल डिटेल्स दिखेंगे, CET का स्कोर दिखेगा, पर्सनल प्रेफरेंसेस आपको दिखेंगे और नीचे करके आपको एक ऑप्शन होगा सबमिट का। तो वहाँ ये सब करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गया, आपका सेकंड स्टेज यहाँ पे आ रहा है प्रेफरेंस सबमिशन का। प्रेफरेंस सबमिशन में आपने क्या काम करना है, अपने कॉलेजेस और कोर्सेज को यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो जो ही आप लॉग इन कर लोगे, लॉग इन करने के बाद नीचे आपको सब्जेक्ट लिंक एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपको वहाँ पे नीचे कॉलेजेस और कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, जैसे PMSS में होता है सेम उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। आपको एक ऑप्शन उनमें से होगा सिलेक्ट का, एक कॉलेज फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी कॉलेज की GMC श्रीनगर होगा, इसमें आगे चल के आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे इसमें कौन कौन सा कोर्स है, BSc नर्सिंग करना चाहते हैं इसमें, BSc पैरामेडिकल करना चाहते हैं या BSc टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं उधर अपने प्लस वाले ऑप्शन पर टैप करना पड़ेगा या इस तरीके का कोई ऑप्शन इसमें होगा उस पर आपने टैप करना होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा जो जो आपने सिलेक्ट करना है। इसमें आप जो है 5 अक्टूबर तक आपकी चॉइसेस चलती रहेंगी, तो 5 अक्टूबर तक आप किसी भी दिन अपनी चॉइसेस को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आपने जो जो कॉलेज रखना होगा उसमें कौन कौन सा कोर्स आपने रख लेना है वो यहाँ पे आपने रख लेना है, मतलब सिलेक्ट कर देना जो भी डिसिप्लिन आपका होगा। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि पहले आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम होगा, आगे चल के आपको उसमें कोर्सेज कौन कौन सी हैं, कोर्सेज कौन कौन सी हैं, और उसके साथ साथ इस वाले ऑप्शन पे से आप इसको टिक कर सकते हैं, और ऐसे वाला एक ऑप्शन उधर होगा जिससे आप उसको डिलीट कर सकते हैं उस कॉलेज को। फॉर एग्जांपल अगर आपको गलती से कोई कॉलेज कोई कोर्स ऐड हो गया तो आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, आपको इस वाले ऑप्शन टैप करना है वो डिलीट हो जाएगा। ये मैं समझा दूंगा उस टाइम, अच्छी तरह से आपको फिलहाल आप मोटा मोटा समझ लीजिए। तो ये सब करने के बाद जो है आपका चॉइसेस जो ही आप जो जो आप सिलेक्ट करते जाओगे वो आपको पोर्टल पे दिखते जाएंगे चॉइसेस में कौन कौन सा यहाँ पे है। अगर आपको लगा कि अच्छा है सारे कॉलेज जो मैंने रखे तो आपको नीचे करके एक प्रीव्यू का एक ऑप्शन होगा, आपने प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर टैप करना है, आपको सारी लिस्ट दिखेगी कौन सा कॉलेज आपने रख लिया और उस कॉलेज में आपने कौन सी कोर्स रखी है और कौन सा ब्रांच आपने रख लिया, वो सब कुछ आपको दिखेगा। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने सारे कोर्सेज जो है वो सही रखे, मैंने प्रेफरेंसेज अपनी जो वो ठीक ठाक सब कुछ रखी है, तो आपने जो है वहाँ पे सबमिट का एक ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखेगा, अपनी चॉइसेस को नीचे करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सबमिशन का, तो आपने उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आपका जो होगा वो सबमिट हो जाएगा। जो ही आप सबमिट पे क्लिक कर लोगे उसके बाद आप अपनी चॉइसेस को एडिट नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, बस ये फाइनल होगा। सबमिट करने से पहले आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन जो ही आपने सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप किया आपकी चॉइसेस जो होगी वो लॉक होगी और आप जो है फिर चॉइसेस को दोबारा से ऐड नहीं कर सकते। ये सब करने के बाद आपका सेकंड स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेज कंप्लीट होते ही आपका आ जाता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में आपने क्या काम करना है, आपकी पेमेंट करनी है। पेमेंट आपको पता है कि 1000 आपको जो है पेमेंट करनी पड़ेगी और पेमेंट जो होगी वो आपको ऑनलाइन ही रहने वाली, ऑफलाइन कहीं पे नहीं करनी आपने पेमेंट। आपको जो ही ये सब चॉइसेस आप सबमिट कर दोगे आपको नीचे जो है मेक पेमेंट का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, मेक पेमेंट का, और उससे पहले आपको एक प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, आपने उस पर टैप करके अपना जो प्रेफरेंसेस फॉर्म होगा उसका प्रिंट आपने निकाल के अपने पास रख लेना है। प्रिंट निकालते आपको मेक पेमेंट का एक ऑप्शन नीचे होगा, उस पर आपने टैप करना है। टैप करते आपको कहेगा पेटीएम के थ्रू करना चाह रहे हैं आप या क्रेडिट डेबिट कार्ड बैंक अकाउंट UPI जो भी आप करना चाहें उस पर आपने टैप करना है। टैप करने के बाद आपने कार्ड या पेटीएम वगैरह जो भी होगा उसकी डिटेल्स डाल के आपके पास एक OTP आ जाएगी, वो आपने डाल देनी है। वो डालने के बाद आपने क्या काम करना है, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। आपके अकाउंट से 1000 रुपीज़ आपको पेमेंट जो है काउंसलिंग के लिए पे करना पड़ेगा, बिल्कुल 1000 हर कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। ये सब करने के बाद आपने क्या काम करना होगा, आपकी पेमेंट जो ही हो जाएगी
जो ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, आपको नीचे प्रिंट एप्लीकेशन का फॉर्म एक और ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का, आपने उसका भी प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग, आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं, काउंसलिंग है, वो यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो गई है। और यहाँ पे आपको दोनों प्रिंट आउट्स निकाल के अपने पास रख लेना। 5 अक्टूबर को लिंक क्लोज हो जाएगी शाम को, 7 या 8 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोर्स मिला है, देन उसके बाद जो कुछ भी मिला होगा आपने उसमें एडमिशन करना है। फिलहाल का जो डेमो वीडियो जो मैंने आपको समझा दिया, मैं भी थक गया समझाते, क्योंकि ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है और ऐसे आपको बातों से समझाना आपको भी समझ नहीं आया होगा। मुझे पता है कि 90% स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको एक अंदाज़ा मिल गया होगा कि आपने कैसे करना है। बाकी जिस टाइम लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, मैं डेमो वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा। उससे पहले मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको मैं प्रेफरेंसेस कैसे रखनी है, मतलब अपने मार्क्स के वाइज अपने प्रेफरेंसेस कैसे रख लेनी है। अब यहाँ पे मसला आ जाता है कि कॉलेजेस कितने आपने रख लेने, वो ऑनलाइन में यहाँ पे कहीं मेंशनड नहीं है, शायद इन्होंने इसमें लिमिट हटा दी होगी, शायद 30 का